So Google has recently opened its internship opportunity for third year and final year people, and you can apply for those opportunities by clicking on the links in the description below. But उसके बाद उसमें अप्लाई कर दिया, उसके बाद प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसका ऑनलाइन असेसमेंट कैसे होता है, क्या ऑनलाइन असेसमेंट होता है, या डायरेक्टली गूगल में इंटरव्यूज की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एंड इसके अलावा तुम्हें चैनल पे ऐसी वीडियोस भी मिल जाएंगी जहां पे हमने अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट एंड गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनीज का ऑनलाइन असेसमेंट रिव्यू किया है। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे गूगल किन किन रोल्स के लिए इंडिया में हायर करती है फ्रेशर्स, उन रोल्स के लिए क्या क्या पूछा जाता है, गूगल का ऑनलाइन असेसमेंट कैसा होता है, एंड गूगल के ऑनलाइन असेसमेंट को प्रिपेयर करने के लिए तुम्हें क्या कुछ पढ़ने की जरूरत है, कौन कौन से चैलेंजेस ऐसे हैं जिनमें तुम पार्ट ले सकते हो, एंड तुम्हें गूगल के रिक्रूटर खुद से कॉन्टैक्ट करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। यार तुम आज देख रहे हो कि लोकेशन डिफरेंट है, लोकेशन इसलिए डिफरेंट है क्योंकि बैंगलोर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो तुम बैंगलोर का मौसम एंजॉय कर सकते हो यार यहाँ से, मतलब ये पूरा छत का व्यू दिख रहा है तुम्हें, तो ये भी देख लो। और साथ में डिस्कस करते हैं गूगल का इंटरव्यू प्रोसेस। सबसे पहले बात कर लेते हैं यार कि गूगल किन किन रोल्स के लिए फ्रेशर्स को इंडिया में हायर करता है। सबसे पहला रोल है सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर फुल टाइम। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल यार तुम सबको पता ही होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में तुम कोड को डेवलप भी करते हो, कोड को डिजाइन भी करते हो, एंड तुम्हें फीचर का एंड टू एंड पता होता है कि तुम कौन से फीचर पे काम कर रहे हो, तो तुम एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर की तरह काम कर रहे होते हो इन अ टीम, बट तुम्हें काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट एनी कंपनी। गूगल एक और रोल के लिए हायर करते हैं जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन इंजीनियर। बेसिकली जो एप्लीकेशन इंजीनियर रोल होता है, इसमें तुम्हें कुछ कुछ गूगल की टेक्नोलॉजी सीखनी होती है, एंड तुम बिजनेसेस से भी इंटरेक्ट कर रहे होते हो डायरेक्टली, उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन तुम्हें टेक्नोलॉजी यूज करके देना होता है, मतलब काफी सारे काम होते हैं इसमें भी, डिजाइन का काम भी होता है, कोड रिव्यूज का काम भी होता है। यू कैन से इट इज क्लोज टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट यू आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स, तो थोड़ा सा मिस एंड मैच है इस रोल के लेके। उसके बाद यार देयर इज थर्ड रोल, दैट इज नोन एज स्ट्रेटजिक क्लाउड इंजीनियर, जिसके लिए गूगल हायर करता है फ्रॉम कॉलेजेस। तो रिसेंटली यार लास्ट ईयर बहुत सारे लोग स्ट्रेटजिक क्लाउड इंजीनियर प्रोफाइल में हायर हुए हैं। इस रोल में बेसिकली तुम क्या कर रहे होते हो, यू विल बी टॉट अलॉट अबाउट GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, अलॉन्ग विद दैट यू विल बी इंटरेक्टिंग विद बिजनेसेस, यू विल बी इंटरेक्टिंग विद कस्टमर्स, एंड यू विल बी सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। मतलब इन शॉर्ट तुम बोल सकते हो कि यार टेक प्लस बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स इज व्हाट यू विल एक्सप्लोर, पर्टिकुलरली अबाउट GCP प्लेटफॉर्म, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, अगर तुम स्ट्रेटजिक क्लाउड इंजीनियर हो। अब काफी सारे लोगों ने ये भी सुना होगा कि यार गूगल ऑनलाइन असेसमेंट तो लेती नहीं है, डायरेक्टली इंटरव्यूज ले लेती है, तो यार ये भी काफी हद तक सच बात है, क्योंकि अगर गूगल ऑन कैंपस विजिट करती है एंड तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, तो तुम्हें डायरेक्टली इंटरव्यूज का चांस मिलता है विदाउट एनी ऑनलाइन असेसमेंट। तो ये काफी सारे कैंपसेस में अगर ऑन कैंपस विजिट करती है तो ये वाला प्रोसेस फॉलो होता है। इसके अलावा यार गूगल कब हायर करती है, गूगल ऑफ कैंपस भी हायर करती है यार, अभी भी देयर आर ओपनिंग्स फॉर इंटर्नशिप्स एंड फुल टाइम रोल एट गूगल, तुम उनमें भी अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें careers.google.com पे जाना है, तुम्हें उनकी ओपनिंग्स पे अप्लाई करना है, डायरेक्टली नहीं अप्लाई करना है। अगर तुम्हें रेफरल मिल जाता है किसी भी ओपनिंग के लिए, तो प्रेफर करना कि रेफरल के थ्रू ही जाओ, क्योंकि उससे ज्यादा चांसेस होते हैं यू विल बी गेटिंग द टेस्ट लिंक। ऑफ कैंपस अप्लाई करने के बाद टेस्ट होता है, हाँ बिल्कुल टेस्ट होता है। ऑफ कैंपस अप्लाई करने के बाद यू विल बी गेटिंग अ टेस्ट लिंक, कुछ टाइम बाद गूगल ऑनलाइन कोडिंग चैलेंज के नाम से तुम्हें टेस्ट लिंक आएगा। अब अगर उस ऑनलाइन असेसमेंट की बात करें तो हैकर अर्थ पे होता है, 2 से 3 क्वेश्चंस मिलते हैं तुम्हें, टू बी सॉल्वड इन 90 मिनट्स टू 120 मिनट्स। तो उस पर्टिकुलर कोडिंग चैलेंज में तुम्हें क्या देखना है, उस पर्टिकुलर कोडिंग चैलेंज में तुम्हें 2 से 3 प्रॉब्लम्स मिलेंगे, उनका डिफिकल्टी लेवल यू कैन कंसीडर एज मीडियम टू हार्ड डिफिकल्टी लेवल। अगर 2 क्वेश्चन है तो उनमें से 1 क्वेश्चन ऐसा होगा कि जिसका लेवल मीडियम लेवल बोल सकते हो तुम लीड कोड, एंड 1 क्वेश्चन विल बी अ लिटिल ऑन द हार्डर साइड ऑफ। वी मैगजीन से पहले बात कर लेते हैं यार वीडियो के स्पॉन्सर, दैट इज कोडिंग निंजास की। अगर तुम कोडिंग निंजास का कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हो तो यू कैन गेट अ 15% डिस्काउंट, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कोडिंग निंजास इज इंडियाज लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन कंपनी, जहां पे तुम्हें मल्टीपल डिफरेंट कोर्सेज मिल सकते हैं, C++, जावा, पाइथन, मशीन लर्निंग एंड बहुत सारी में तुम कोर्स कर सकते हो थ्रू कोडिंग निंजास। जिन फैकल्टीज ने कोर्स बनाया है वो खुद अमेज़न, गूगल जैसी कंपनीज में काम कर चुके हैं, स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। कोर्सेज की बेस्ट चीज ये है कि अगर तुम किसी भी पॉइंट पे स्टक हो जाते हो तो तुम्हें बहुत सारी हिंट वीडियोस मिल जाएंगी जिनके थ्रू तुम अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अगर उन हिंट वीडियो से डाउट्स क्लियर नहीं होते तो इनका डाउट सपोर्ट सिस्टम, जो TA सपोर्ट वाला सिस्टम है, वो भी काफी अच्छा है। तुम 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर कोई भी अपना डाउट लेके आ सकते हो, एंड TA 1-on-1 आके तुम्हारा डाउट सॉल्व कर सकता है। इस बात की इफ यू फील दैट यू नीड अ कोर्स फ्रॉम कोडिंग निंजास, चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। इन मोस्ट केसेस देखा गया कि यार वो जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है उसमें क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन, इधर तो मैथमेटिकल क्वेश्चन होता है, बट उस मैथमेटिकल क्वेश्चन को करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सेकंडली यहाँ वो क्वेश्चन हो सकता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम्स, नंबर थ्योरी, ग्राफ थ्योरी। तो ये वाले कुछ टॉपिक्स हैं जिनको तुम प्रिपेयर कर सकते हो फॉर ऑनलाइन असेसमेंट ऑफ गूगल, अगर तुम्हारा रिसेंटली ऑनलाइन असेसमेंट होने वाला है या गूगल तुम्हारे कैंपस में विजिट करने वाली है। अब इसके अलावा यार गूगल और भी कई सारे चैलेंजेस थ्रू आउट द ईयर कंडक्ट करती है। तुम बात कर सकते हो गूगल किकस्टार्ट, गूगल कोड जाम, गूगल हैश कोड। तो इन पर्टिकुलर चैलेंजेस में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे तुम पार्ट ले सकते हो। गूगल किकस्टार्ट क्या होता है, गूगल किकस्टार्ट इज अ कॉम्पिटिशन जिसके बहुत सारे डिफरेंट राउंड्स होते हैं, राउंड ABC, एंड इन एवरी राउंड यू विल बी गिवन 3 आवर्स। उन 3 आवर्स में तुम्हें कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, एंड इसके थ्रू गूगल हायर कैसे करता है, इफ यू परफॉर्म वेल इन दीज किकस्टार्ट राउंड्स, तो तुम्हें अपने आप इंटरव्यूअर या फिर रिक्रूटर कॉन्टैक्ट करता है फ्रॉम गूगल, इधर थ्रू लिंक्डइन या फिर तुम्हें डायरेक्टली कॉल भी आ जाता है, क्योंकि तुम्हारी डिटेल्स गूगल के साथ ऑलरेडी शेयर हो चुकी हैं।
इसके अलावा यार देयर आर टू मोर चैलेंजेस, वन इज नोन एज गूगल कोड जैम, सेकंड इज नोन एज गूगल हैश कोड, बट दीज आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स इंप्रूविंग प्रोग्रामिंग कल्चर इन स्टूडेंट्स. मतलब इसमें यू विल गेट अमेजिंग प्राइजेस, बट अगर तुम इनमें परफॉर्म करते हो तो देखा गया है कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स को कॉल आ जाता है, तुम्हारी प्रोग्रामिंग स्किल्स ही इंप्रूव हो रही है, तो डेफिनेटली यू शुड गिव दीज चैलेंजेस ऑल्सो. इनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके चेक कर सकते हो, इन चैलेंजेस में भी पार्ट ले सकते हो, कब कब इनकी टाइमलाइंस होती है, ऑल दोज डिटेल्स यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. अब ठीक है भैया, ऑनलाइन असेसमेंट तो हमने दे लिया, ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर भी हो गया. अब उसके बाद आती है इंटरव्यूज की बारी. अब इंटरव्यूज की अगर हम बात करें तो यार गूगल में 3 से 4 इंटरव्यूज होती हैं. अगर तुम गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें L3 लेवल के लिए हायर किया जाता है. उन L3 लेवल के इंटरव्यूज में मतलब मोस्टली इट इज बेस्ड अपॉन DSL गोज. टाइम ड्यूरेशन ऑफ दोज राउंड्स विल बी 45 मिनट्स टू 1 आवर. तो 45 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में तुम वो क्वेश्चन कर सकते हो. बस बट उन इंटरव्यूज में मैटर क्या करता है, एक तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की, तुम क्या क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज वे में सॉल्व कर पा रहे हो. सेकंडली तुम्हारा कोड क्वालिटी भी जज किया जाता है कि यार तुम कितना बेटर कोड लिख पा रहे हो, कितना प्रोडक्शन रेडी कोड लिख पा रहे हो. थर्डली तुम्हारा टाइम देखा जाता है कि तुम पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितना टाइम लेते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग में कितना टाइम लेते हो, अप्रोच बताने में कितना टाइम लेते हो, उसका एक्चुअल कोड लिखने में. तो ये तीनों फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं फॉर इंटरव्यूज एट गूगल किसी भी रोल के लिए. तो L3 में 3 राउंड्स टेक्निकल इंटरव्यूज के होते हैं, उसके बाद देयर इज वन मोर राउंड दैट इज नोन एज गूगलीनेस राउंड, जो तुम्हारे हायरिंग मैनेजर के साथ होता है. हायरिंग मैनेजर वो बंदा है जिसकी टीम में तुम जाने वाले होते हो. तो उस राउंड में बेसिकली तुम्हारे थोड़े से जनरल स्किल्स टेस्ट किए जाते हैं कि तुम गूगल में आना चाहते हो तो क्यों आना चाहते हो, एंड अगर तुम गूगल में आते हो तो क्या तुम सस्टेन कर पाओगे. तो तुम्हारे कुछ इन जनरल एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी उस राउंड में पूछे जा सकते हैं. तो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई ऑल्सो डू अप्लाई फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप एज वेल एज फुल टाइम रोल्स. अगर तुम 2023 या फिर 2024 पास आउट हो, आई विल गिव द लिंक टू देम इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. मिलते हैं किसी एक ऐसी और वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट, गुड लक.